थोड़ी जैसे तो कुछ हो गई, मगर अब जो है बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है और उसकी वजह से खेत में सारा जो है नमी सूख गई है। अभी जिस तरह से सूखा पड़ रहा है उसे हम सब किसान, बागवान, गांव के लोग सब चिंतित हैं। कई वर्षों बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि साल का अंतिम माह खत्म होने की ओर बढ़ रहा है, पर समूचे जिले में बारिश का कहीं भी कोई नामो निशान तक देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में किसानों और बागवानों के चेहरे पर लगातार चिंताएं बढ़ रही हैं। वर्ष पीछे जो बारिश हुई थी उस नमी से थोड़ी जैसे तो कुछ हो गई, मगर अब जो है बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है और उसकी वजह से खेत में सारा जो है नमी सूख गई है। अगर बारिश समय पर नहीं हुई तो किसानों को भारी से भारी नुकसान होने हो सकता है ना। इसकी बर्बादी जो है कैसे होगी ये भगवान ही जाने। इसके लिए तो देखो, इसके लिए तो अब खाद तो तभी डाल सकते हैं जब खेत में नमी हो। जब नमी नहीं है तो खाद भी कैसे डालेंगे किसान। ये देखो बारिश हो जाए तब तो उसके बाद चलो खेत में किसान जो है खाद डाल सकते हैं ताकि मतलब फसल जो है ठीक हो जाए, मगर उम्मीद यही है कि फसल के ना होने की वजह से दिन प्रतिदिन फसल की बर्बादी हो रही है। देख लो आपके सामने की बात है, खेत सारा जो पीला पड़ गया है। देखो खेतों के लिए तो देखो जब हम बोते हैं, जैसे मान लो नवंबर में हमारा सीजन लगता है, उसमें बारिश होना बहुत जरूरी है। बारिश तो हुई थी उस टाइम, चलो बोझ भी डाल दिया, मगर अब उसके बाद बारिश बिल्कुल नहीं हुई है। दिसंबर में पूरी बारिश नहीं हुई है, अब जनवरी फरवरी में कोई उम्मीद नहीं है कि बारिश। अगर बारिश समय पर इस टाइम होना बड़ा जरूरी है, बहुत दिसंबर में हो जाती तो फसल अच्छी होनी थी, अदरवाइज की ग्रोथ ही कम हो गई तो फिर मुश्किल होगा बहुत। अभी जिस तरह से सूखा पड़ रहा है उससे हम सब किसान, बागवान, गांव के लोग सब चिंतित हैं। जैसे पहले बारिश हुई थी ज़मीन में, बहुत बढ़िया नमी थी, तो हमने अपनी खेतों में जौ, कणक ये सब बिजाई कर दी तो फसल तो बढ़िया लगी। लेकिन आजकल जो बारिश नहीं हो रही है उसे हमारी फसल पूरी अब पीली हो रही है, सूख रहे हैं खेत। तो हम परमात्मा से यही निवेदन प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जल्द से जल्द बारिश हो ताकि हमारी फसल जो है वो अच्छी हो सके। पुराने टाइम में, अब जैसे मेरी उम्र जितनी हो गई है, पहला चांस है कि भाई ये महीने बिल्कुल सूखे जा रहे हैं। पहले नवंबर दिसंबर यही तो महीने होते थे, इनमें बहुत बारिश होती थी। आजकल तो हमारा घर से निकलना मुश्किल होता था क्योंकि बर्फबारी होती थी। तो आज हम सब लोग बाज़ारों में घूम रहे हैं, ये कुल मिला के ठीक नहीं है, हम सब के लिए चिंता का विषय है। तो भगवान इस पर हम पर कृपा करे और बारिश हो जाए ताकि ये सृष्टि की संरचना आराम से चलती रहे।